Today we are going to discuss about the bird's nutrition and the digestive system of birds. Nutrition and the digestive system in birds. Birds feed great appetite. This appetite supports a high metabolic rate. High metabolic rate is necessary for the endothermic flight, for example. Hummingbirds feed during the day. यानी कि birds के अंदर जो metabolic rate होता है वो बहुत ज़्यादा high होता है और इसी की basis पर वो high flight जो है वो कर सकते हैं. जितनी ज़्यादा energy होगी उतनी ज़्यादा जो है ये flight कर सकते हैं और वो energy जो है वो इनके fast metabolic rate से आती है. सो इनका जो nutrition system है, जो digestive system है, वो बहुत ज़बरदस्त है. अच्छा जो है वो इनका appetite system होता है, support करता है इनको. The reduced temperature and respiration rate, they again become active and feed in the morning. यानी कि रात के वक्त पर ये क्या करते हैं कि नाइट में ये अपना मेटाबॉलिज्म को जो है वो मेंटेन नहीं करते और उस वक्त जो है ये रेस्पायर करते हैं और टेम्परेचर बैलेंस करते हैं. जबकि दिन के वक्त क्या करते हैं, ये खाते पीते हैं और इससे जो है वो अपने पूरे दिन की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हैं और फिर रात में जो है ये एक्टिविटी नहीं करते. फिर अगले दिन नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में जो है ये दोबारा से अपनी फीडिंग का काम जो है वो शुरू करते हैं. तो फीड करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए इनके पास कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो है वो फंक्शन करते हैं, दैट इज बिल एंड टंग. बिल एंड टंग इनके जो जबान होती है बर्ड्स की वो मॉडिफाइड होती है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट, अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स. फॉर एग्जांपल द टंग ऑफ वुड पैकर, लकड़ी को जो वुड पैकर जिसे हम कहते हैं, जब वो लकड़ी के अंदर सुराख करता है, बर्ब करता है, तो वो अपने ग्रब्स जो है वो यूज करता है, अपनी जो है वो टंग को यूज करता है फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्री. ठीक है, इसके साथ हमारे पास दूसरी एग्जांपल है सैपसकर्स, डिग होल्स जो करता है वो ट्रीज के अंदर, वो उसकी जो टंग होती है, जबान होती है, विच इज ब्रश लाइक. ठीक, और जो उसको पिकिंग करने में हेल्प करती है, होल्ड करने में हेल्प करती है. थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमिंग बर्ड्स जो है वो फीडर होता है, नेक्टर को फीड करता है. इनके जो फ्लावर वगैरह के जो नेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है. सो दे कैन डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट फीडिंग स्ट्रक्चर. उसके बाद सेकेंड इनका पार्ट आ जाता है क्रॉप, जिसको हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे. बर्ड के अंदर जैसे हमारे अंदर स्टमक होता है वैसे इनके पास क्रॉप होता है. क्रॉप विच इज समहाउ स्टमक, पर इनके पास स्टमक भी अलग से जो है वो मौजूद होता है. क्रॉप जो है वो एक्चुअली इनका ईसोफेगस जो है वो डाइवर्टिकुलेट हो गया है, चेंज हो गया है क्रॉप के अंदर, और ये जो है वो क्विकली ए लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फूड को स्टोर करता है और देन जो है उसको डाइजेस्ट करता है उस फूड को, जस्ट लाइक इन पिजन्स. और इसके अलावा दूसरा है इनके पास स्टमक. स्टमक जो है वो इनके बर्ड्स के पास टू रीजन में डिवाइड होता है, प्रो वेंट्रिकुलस एंड वेंट्रिकुलस, जिसे हम गिजर्ड कहते हैं. एक्चुअली प्रो वेंट्रिकुलस जो है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. फिर है वेंट्रिकुलस और गिजर्ड. वेंट्रिकुलस जिसे हम सेकंड गिजर्ड कहते हैं, इट इज अ मस्कुलर वॉल टू क्रश द सीड एंड अदर हार्ड मटीरियल. जब ये बीज वगैरह खाते हैं या कोई हार्ड मटीरियल खाते हैं तो उसकी जो है वो पर्टिकुलर डाइजेशन जो है वो इनके गिजर्ड में होती है, सेकंड पार्ट में होती है. और बर्ड जो है वो समटाइम स्पून भी जो है वो खा जाता है और समटाइम जो है वो इससे हार्ड चीज़ें खाता है, तो वो जो है वहाँ पर उसकी डाइजेशन में हेल्प करवाता है गिजर्ड. उसके बाद नेक्स्ट टू द स्टमक जो है वो जो पार्ट आता है दैट इज इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन जो होती है बर्ड्स की वो डाइजेशन में और प्लस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाती है. जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल आए उसको क्या करवाती है, एब्जॉर्ब करवाती है. इंटेस्टाइन जो है वो
इसके अंदर सीक्रेशंस आती हैं फ्रॉम द पेंक्रियाज एंड लिवर, लिवर बाइल जूस, पेंक्रियाज जो है वो बाइल जूस और लिवर जो है बाकी कुछ हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को रिलीज करवाता है और वहाँ पर जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर घुसता है, वहाँ पर उनकी फर्दर जो है वो डाइजेशन होती है और प्लस वहीं पर इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। इनकी इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड सीका, वहाँ पर उनकी एक्चुअली जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। वो सीका जो ऊपर से ब्लाइंड होती है, बंद होती है, तो वहाँ पर जो है ब्लड कैपिलरीज मूव कर रही होती हैं, उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव जो फूड होता है जो एब्जॉर्ब वहाँ पर एब्जॉर्प्शन करता है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट टू द इंटेस्टाइन इनका फिफ्थ पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड क्लोइका। क्लोइका जो है वो इनका कॉमन ओपनिंग है फॉर द यूरोजेनिटल डक्ट एंड एनस, यानी कि दोनों तरह का काम करता है। यहीं से वो अपने स्पर्म्स को भी ट्रांसफर करता है यूरिनो जेनिटल डक्ट और यूरिन को भी पास करता है, और प्लस जो है उसके बाद नेक्स्ट आता है इनका एनस, जहाँ से ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आउट करते हैं। क्लोइका जो है वो तकरीबन बर्ड्स के अंदर ये पार्ट मौजूद होता है और ये जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से आउट करता है, और फिर जो है वो बर्ड्स जो है वो पैलेट्स ऑफ बोन फेयर एंड फीडर्स जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं, इजेक्टेड दीज पैलेट्स थ्रू द माउथ, जो है वो कुछ अपने माउथ के थ्रू ये पैलेट्स को रिमूव करते हैं। सो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ इनके माउथ से इसोफेगस, विच इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रोप इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इसोफेगस, देन स्टमक अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेंट्रिकुलस एंड प्रोवेंट्रिकुलस इंटेस्टाइन, देन क्लोइका, और इसके बाद आ जाते हैं हम feeding habits in birds. Birds are grouped on the basis of their feeding habits. These grouping are artificial. Birds may eat different kind of food at the different stages in their life history. They can change their diet according to availability of food. For example, they can birds مختلف type کے ہوتے ہیں, مختلف species ہوتی ہیں ان کی, हर स्पीशी अलग अलग एरिया में रहती है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट, उनका सबका फूड जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट फूड जो है वो इसलिए यूज करते हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटीरियल, जैसा उनको जहाँ मौजूद होगा वो वैसा ही खाता है। जैसे ह्यूमन बर्ड नेक्टर खाता है, मुर्गी जो है, चिकन जो है वो छोटे-छोटे कीड़े मकोड़े खाती है, इस तरीके से कुछ और बर्ड्स जो है कुछ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ जो है वो जैसे क्रॉ है वो ओमनीवोर्स है, तो डिफरेंट फूडिंग फीडिंग जो है उनकी पर्पस होते हैं, मोड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉबिन्स फीड लार्जली ऑन वॉर्म एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे रॉबिन एक बर्ड है वो वॉर्म्स खाता है, और उसके बाद जो है रॉबिन जो है वो बेरीज भी खाता है विंटर के सीजन में। अब जैसा सीजन होगा, जैसे अवेलेबिलिटी होगी, तो वो बर्ड वैसा ही अडॉप्ट करेगा। कुछ बर्ड्स जो है वो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन के लिए भी, और वो जो है उनको नुकसान भी देते हैं, कुछ बर्ड्स जो है फसलों को नुकसान देते हैं, और उसके अलावा जो है वो कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो ग्रेन वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं। बर्ड्स प्रे हैव मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द पोल्ट्री एंड गेम बर्ड्स, उसके साथ साथ जो है वो बर्ड्स जो है वो पोल्ट्री और उसके अंदर जो है वो